नरवर के डॉक्टर द्वारिका प्रसाद कुशवाहा को बदमाशों ने 24 घंटे में नरवर छोड़ने की धमकी दी है, जिसका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए नरवर के लोड़ी माता मंदिर के पास निवासरत समाज सेवी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद कुशवाहा को 10 से 15 बदमाशों ने 24 घंटे में नरवर छोड़ने की धमकी दी है। बताया जाता है कि यह पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर डॉक्टर को धमकी दी है। देर रात तक पुलिस भी FIR दर्ज करने में आनाकानी करते रही। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी FIR दर्ज करने के बाद देर रात कुछ आरोपियों पर हमला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है द्वारिका प्रसाद कुशवाहा। क्या हुआ थी, फोन ने करना है? ये जो है तकरीबन 1:30 बजे की घटना है जो है, और जो है वहाँ पे मैं अपनी क्लिनिक पर था, लूड़ी माता मंदिर के पास मेरा क्लिनिक है, और 1:30 बजे के लगभग जो है मैंने अपना क्लिनिक पर अपनी जो है मरीज दिख रहा था। उसी बीच में जो है कुछ गुंडे लोग आए और उन्होंने जो है मेरे आकर के मेरे घर के आसपास तोड़ फोड़ चालू कर दी। मेरी तार फेंसिंग थी वो तोड़ दी, और तोड़ करके उन्होंने जो है मेरे चैम्बर में आकर के मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या किस लिए मारपीट की धमकी थी, और क्या विवाद था पूरे में? नहीं, विवाद ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई विवाद नहीं था। पीछे थोड़ा सा एक हल्का फुल्का मैटर था, वो तार फेंसिंग वाला, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अपना विधिवत सीमांकन करा लो और अपना आराम से आप अपनी कर लेना, तार फेंसिंग हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सीधे आकर के गुंडे लोग जो है तार फेंसिंग तोड़ फोड़ करने लगे, और वहाँ पर आकर के उन्होंने जो है जो जाली थी तार फेंसिंग थी सब तोड़ दी उनने, और तोड़ करके सीधे चैम्बर में आकर के उनने मुझे। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है इसके पीछे आपकी बायस? इसके पीछे अब भाई वो तो 20-25 गुंडे लोग थे, मैं आपको बता दूंगा। मैं क्या था, 2-4 लोगों को जानता हूँ जिनके खिलाफ मैंने FIR दर्ज करा दी है, और कुछ लोग अन्य में भी हैं तो जिनको मैं जानता नहीं हूँ। पुलिस में आए थे, क्या कार्रवाई हुई थी पुलिस में आने को? पुलिस में आया और पुलिस में जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आगे क्या चाहते हैं? आगे यह क्या जी, अभी इस तरीके का जो क्राइम हुआ है मेरे साथ, और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।